नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कंप्यूटर का इतिहास और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये दोनों ही टॉपिक्स आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर क्या है वो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया ही था। और ये बेसिक कंप्यूटर आप लोगों के सामने चल रहा है। इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर का उद्गम कब हुआ था, ताकि आप लोग भी उस हिस्ट्री को जानकर स्टेप बाय स्टेप जो है कंप्यूटर की सारी चीज़ें पढ़ सकें। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर जो है आज कितना आगे बढ़ चुका है। हर वो दैनिक जीवन का काम जो है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। लॉकडाउन चलने के बाद या कोरोना आने के बाद कंप्यूटर पे ही आप लोग जो है पढ़ाई करते हैं, कंप्यूटर पे ही काम करते हैं। और इवन मैं ये कहूँगा कि आगे आने वाला समय जो है, जैसे जैसे बीमारियां या हम लोग कहें कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एनवायरनमेंट में आ रही हैं, उसके बेसिस पे अगर हम लोग कहें तो मशीन का युग जो है वो आने वाला है, या हम लोग कहें पार्शियल युग तो आ चुका ही है। तो हम लोगों को वो जनरेशन जो ओरिजिन पॉइंट होता है उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं आज आप लोगों के सामने ये टॉपिक लेकर आया हूँ। ये दूसरा वीडियो ट्यूटोरियल है कंप्यूटर बेसिक का, और कंप्यूटर का इतिहास इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंप्यूटर का इतिहास 1600 वर्ष पुराना है। हम लोग कह सकते हैं कि 1600 1600 ईयर में, या हम लोग कहें 1600 जो है ईस्वी सन में ये जो कंप्यूटर है वो आ चुका था। तो 400 वर्ष पुराना है। कंप्यूटर का आविष्कार बड़ी बड़ी अंक गणनाओं को करने के लिए किया जाता है। बड़ी बड़ी अंक गणनाओं को लिए, या कहने का मतलब था कि जैसे कि ऐसी संख्याएं जो कभी भी कैलकुलेट नहीं होती थी या ह्यूमन माइंड उसे कैलकुलेट नहीं कर सकता था, उन अंक गणनाओं को करने के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती थी। तो उसी के लिए ही कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। सबसे पहली जो मशीन थी, एक मैकेनिकल मशीन थी जिसमें मोतियों की माला हुआ करती थी, उसे हम लोग एबेकस कहते हैं। और ये गणना करने वाली मशीन थी जो गणना करती थी, लेकिन ये घटाव पर या हम लोग मल्टीप्लीकेशन पर, ये इन पर काम नहीं करती थी। तो कैसे विकास हुआ कंप्यूटर का वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। 1616 में सर जॉन नेपियर ने एक गणना उपकरण बनाया। 1616, याद रखना, सन जॉन नेपियर, इसने एक गणना उपकरण बनाया जिसमें गणनाएं कर सकते थे हम लोग। इसे नेपियर बोन्स कहा गया। जब हम लोग, जैसा कि मैंने कहा कि कंप्यूटर का आविष्कार किस लिए किया गया था, बड़ी से बड़ी संख्याओं को गणना करने के लिए, तो 1616 में सर जॉन नेपियर ने गणना उपकरण बनाया जिसे जॉन नेपियर कहा गया। इसका उपयोग जोड़ घटाव गुणा भाग में किया गया। तो ये जो अबेकस था उससे ज़्यादा एडवांस निकला 1616 में। अब जोड़ घटाव गुणा भाग चारों के चारों हो गए हमारे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक यूनिट जो हो गए, जोड़ घटाव गुणा भाग सारे हो गए। तो जॉन नेपियर ने 1616 में ये उपकरण बनाया था। 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन का आविष्कार किया, जो एक यांत्रिक मशीन था। इसमें 8 चलने वाले पहिए थे, उसमें मोतियों की माला थी पास्कल में, सॉरी उसमें अबेकस में। और ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन जो बनाया उसमें एक यांत्रिक मशीन थी जिसमें 8 चलने वाले पहियों के साथ एक आयताकार बॉक्स शामिल था। यह 10, 100 और 1000 के साथ जोड़ने घटाने में सक्षम था। यह अबेकस से अधिक गति से गणना करता था, तथा यह पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर के रूप में सामने आया। ब्लेज पास्कल, पास्कल जो है वो कैलकुलेटर से आप लोग समझ सकते हैं। 1616 में जॉन नेपियर ने एक उपकरण बनाया, जॉन नेपियर बोन्स जिसे कहा गया। 1642 में ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन बनाया जिसे कैलकुलेटर कहा गया, मैकेनिकल कैलकुलेटर। और 1822 में तो चार्ल्स बेबेज ने धमाका ही मचा दिया। पास्कलिन से ही जो है प्रेरणा उत्पन्न होकर यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है चार्ल्स बेबेज ने बना दिया। और चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है, आप लोगों को पता है। इसमें डिफरेंशियल इंजन जो है वो शामिल किया गया था। और चार्ल्स बेबेज जो है वो एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे, बहुत महान ब्रिटिश गणितज्ञ, जिसे हम लोग कंप्यूटर का पिता भी कहते हैं। उन्होंने 1937 में, अब ये देखिए, 1616, 1642, 1822 ने डिफरेंशियल इंजन से एक जो है कंप्यूटर, यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। उन्होंने 1937 में स्वचालित कंप्यूटर की जो है परिकल्पना कर दी थी कि जो है 1937 में एक ऐसा कंप्यूटर बनाऊंगा जिससे स्वचालित यानी कि अपने आप ही चलेगा, अपने आप ही बातें करेगा। लेकिन धन की कमी होने के कारण वो उसे पूरा नहीं कर सके। हरथन हेलोरिथ ने उसे पूरा किया और पंच कार्ड के इस्तेमाल से कृत्रिम स्मृति तथा
कृत्रिम यानी कि वर्चुअल मेमोरी तथा प्रोग्राम का अनुरूप गणना करने की क्षमता थी। तो ये इसकी एक हिस्ट्री है, 1616 से स्टार्ट हुई थी तो 400 वर्ष पुराना हो गया। या अगर आप लोग देखना चाहें तो 1642 में पास्कल आए, 1822 में चार्ल्स बेबेज आए, और उन्होंने चार्ल्स बेबेज ने ही फर्स्ट कंप्यूटर डिफरेंशियल इंजन के रूप में जो है वो निकाला था। और हर्थन हेलोरिथ ने जो चार्ल्स बेबेज की जो महत्वाकांक्षाएं थी उन्हें पूरा किया, हर्थन हेलोरिथ ने पंच कार्ड का इस्तेमाल करके। अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक आ चुके थे पंच कार्ड, आप लोगों को भी पता हो गया। तो अब हम लोगों को कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि 1937 तक जो है वो स्वचालित कंप्यूटर आ जाएंगे। तो 1937 की जगह हम लोग 1940 में चलते हैं और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे वैसे वैसे उन कंप्यूटर का आकार भी आप लोग देखते जाइएगा कि कैसे बदलता जाता है, उनकी कार्यप्रणाली देखते जाइएगा कि कैसे बदलती है, कार्यशीलता देखिएगा कैसे बदलती है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 टू 1956 जो है वो एज है। इस फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे 1940 से 1956 के बीच में चले। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो है ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर था। इसका आविष्कार जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मोचली ने पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में किया था। ये ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में पूछी जाती है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहाँ से कहाँ तक थी, तो 1942 टू 1956। और ये वाली बात भी बहुत ज़्यादा पढ़ने लायक है, 1616 में जॉन नेपियर आए थे, 1642 में आपके ब्लेज पास्कल थे, और 1822 में आप लोगों के चार्ल्स बेबेज थे, और 1937 में आप लोगों के हर्थन हेलोरिथ थे। अब बात आती है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहाँ से कहाँ तक थी। 1942 से 1956 के बीच में थी। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था, जिसका आविष्कार जॉन विलियम एंड जे प्रेस्पर एकर्ट ने किया था। INIAC लगभग 30 से 50 फीट लंबा था, यानी कि बहुत कमरे के बराबर आप लोग बोल सकते हैं, कमरे से भी। हम लोग कमरे की जो ऊंचाई है वो 11 फीट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 30 से 50 फीट लंबा, इसका मतलब बहुत बड़ा था, कमरे से भी बहुत ज़्यादा बड़ा, जिसका वजन 30 टन था। 30 टन बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का ही इस्तेमाल किया गया। 70,000 रजिस्टर थे, 10,000 कैपेसिटर थे, और 150,000 वाट की बिजली की आवश्यकता होती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा कंप्यूटर होगा। सन 1952 में एकर्ट और मोचली ने पहला वाणिज्य कंप्यूटर यूनिवर्सल ऐटोमेटिक कंप्यूटर भी बनाया 1952 में। 1956 तक ये चली थी, 1952 में भी इसी कंप्यूटर में ही आप लोगों को एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी मिला, भी विकसित किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल किया गया। ये इतनी बात ध्यान देने वाली बात बहुत है कि पहली कंप्यूटर की पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, जिसे ENIAC यानी कि ENIAC जो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर था, जो प्रोफेसर जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन विलियम मोचली ने बनाया। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। और दूसरा जो कंप्यूटर बना वो 1952 में एकर्ट और मोचली ने यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर के रूप में बनाया, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। इतनी बात ध्यान में रखने वाली बात है। और अगर हम लोग इसकी साइज़ देखें तो इस प्रकार के कंप्यूटर थे जिसमें लोग खड़े होकर काम करते थे, कभी बैठकर नहीं करते थे, क्योंकि इनकी साइज़ जो है वो इतनी ज़्यादा थी। अगर हम लोग अब 1956 के बाद चलें, 1956 से 1963 तक, तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में लोग बैठने लग गए। इतनी बात आप लोगों को ध्यान में देखने वाली बात है कि लोग बैठने लग गए तो इसका आकार जो है वो छोटा हो गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह यहाँ पर ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो इस्तेमाल में लिए गए। इसका विकास विलियम सॉकले ने किया, उसका आविष्कार जो है जे प्रेस्पर ने किया था और मोचली ने किया था, इतना याद रखने वाली बात है। दूसरा जो है विलियम सॉकले ने किया, 1956 से 1963 के बीच में चली। और ट्रांजिस्टर्स जो है उसमें मैन अहम भूमिका निभाते थे, करंट के रूप में आप लोग कह सकते हैं, और मेमोरी के रूप में उसमें मैग्नेटिक ड्रम था, तो इसमें मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल में ली गई। इतनी बात ध्यान में रखने वाली बात है। नंबर तीन यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971 के बीच में चले। अब बात वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर पर आ चुकी थी और ट्रांजिस्टर से अब आईसी पर आ चुकी थी। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आईसी का आविष्कार किया गया।
और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया, और आप लोग साइज भी देख सकते हैं इसकी कितनी छोटी हो गई है। जैक किल्बी द्वारा 12 सितंबर 1958 में इसका आविष्कार कर लिया गया था, लेकिन ये जो उजागर हुआ वो 1964 में हुआ। इन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा था, नए नए हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हुआ था, जैसे कि बेसिक। बेसिक की फुल फॉर्म जो है ये एक प्रकार की लैंग्वेज है जो कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में इस्तेमाल की गई। बिगनर्स ऑल पर्पज़ सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बिगनर्स ऑल पर्पज़ सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसकी फुल फॉर्म है। अब बात आ गई थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की। फर्स्ट जनरेशन कहाँ से कहाँ तक चला था अगर आप लोग देखना चाहें, 1942 पर 1956 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब तो थी करंट के रूप में, और मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम था। अब बात आती है दूसरे कंप्यूटर की, 1956 से 1963 तक चला, जिसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है वो इलेक्ट्रॉनिक के लिए ट्रांजिस्टर इस्तेमाल में लिया गया, और मेमोरी के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया। अब 1964 से 1971 तक बात चली, यानी कि थर्ड जनरेशन में, इसमें आईसी आ गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए थे, और जैक केल्बी इसके आविष्कारक थे, और ऑपरेटिंग सिस्टम में इसमें बेसिक चला, पुराने वाले में बाइनरी ही चला, 0-1 के रूप में चलते थे। और अब बात आती है फोर्थ कंप्यूटर, यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 1971 से 1980 के बीच में बात आती है। और चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर, आईसी जो है वो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर बहुत सारी आ जाती हैं, इसीलिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में मार्शियन ई उफ द्वारा किया गया। माइक्रो प्रोसेसर की यह तकनीक, जिसे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दिया गया, यानी कि आईसी की जगह इसमें इस्तेमाल में लिया जाता था एलएसआई, और बाद में वीएलएसआई, फिर यूएलएसआई जो अभी चल रही है वो यूएलएसआई भी तकनीक पर है नाम दिया गया। ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डोस पहली बार फोर्थ जनरेशन की पीढ़ी में अप्लाई किया गया। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में बेसिक इस्तेमाल में किया जाता था, और फोर्थ जनरेशन में एमएस डोस आ गया। और इलेक्ट्रॉनिक की जगह अब वहाँ पर देखिए दो ही मेमोरी के रूप में काम में लेते थे, मैग्नेटिक ड्रम पहले में, दूसरी में मैग्नेटिक टेप, तीसरी में अगर आप लोग सोचना चाहें कि बेसिक लैंग्वेज चल गई थी तो फ्लॉपी ड्राइव आ चुकी थी मेमोरी के रूप में। अगर हम फोर्थ जनरेशन में देखें तो हार्ड ड्राइव आ चुकी थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मेमोरी के रूप में इस्तेमाल में ली जाती थी। अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980 और भविष्य है आप लोगों का, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी जिस पर अभी काम चल रहा है, और ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि पांचवी पीढ़ी किस दिशा में जाएगी। आज आप लोगों के पास लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल फ़ोन है, ये सभी कंप्यूटर के ही जो है वो एक हिस्से हैं, हम लोग कहें कंप्यूटर हैं, जिसे यूएलएसआई पे काम किया जाता है। तो आज दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा कंप्यूटर का इतिहास और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इन पर याद कर लीजिए, इन्हीं में से आप लोगों के पास क्वेश्चन आएंगे अगर आएंगे तो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।